पहले तो मुझे ट्रेलर देख के एकदम गूज़बम्स आ गया, क्योंकि बहुत मतलब एकदम मतलब ऐसा बोलता है, लगता है ना कि हिम्मत वाला कोई एक बंदा खड़ा ऐसा है खड़ा है इतने और लोगों उसको से लड़ के। लड़ रहा है, जी तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर। आई थिंक हिट भी जाएगा पिक्चर बहुत, और अच्छा ऑफकोर्स अक्षय कुमार का है जी, तो 200 करोड़ क्लब, 300 करोड़ का में जाना ही जाना पड़ेगा। चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप टीज़र देख रहे थे ये छोटा सा, तब कुछ ऐसे मोमेंट आए जब आपको गूज़बम्प्स आए या फिर रोंगटे खड़े हो गए? हाँ, जब वो एंटर कर रहे थे सब अफगानी इस तलवार लेकर, और अक्षय कुमार अकेले खड़े थे उस ग्राउंड के बीच में, तो वो बहुत गूज़बम्प वाला सीन, वो बहुत अच्छा था जी। ये वीडियो देखने के बाद एक्साइटमेंट कितना बड़ा है ट्रेलर को लेके, फिल्म को लेके, और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है अक्षय कुमार से और साथ ही साथ ये फिल्म से? जैसा कि सबको पता है ये अक्षय कुमार की पिक्चर है, सो इट विल बी अ रियली गुड पिक्चर हिट। कुछ तो एक मैसेज रहता है हमेशा, एक पॉजिटिव मैसेज रहता है उनकी पिक्चर में, तो वही हिट जाएगा और पिक्चर। और ये जो बैटल हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी तरीके से बैटल, हर छोटी छोटी डिटेल्स हमें देखने मिले। जी जैसे कि 20 इसमें पता है कि 21/6 है, उन्होंने अफगानी के 10,000 अफगानी के साथ वॉर किया है, तो एक मैसेज भी मिलेगा कि देश के लिए, देश के अपनी लिए, हाँ यूथ के लिए, कम्युनिटी कि के लिए। आप अकेले ऐसा नहीं कि कुछ आपके सामने कितनी भी बड़ी एनिमीज आओ, आप अकेले उनको फेस कर सकते हो, लड़ सकते हो आप। सही बात है। अच्छा अब मैं जानना चाहूँगी कि ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप देखने जाएंगे, जिस तरीके से आपको व्हाई नॉट पसंद आया, शो व्हाई नॉट, मैं उनकी हमेशा इधर कैमरे पे बोलिए, व्हाई नॉट, मैं पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा टीजर को आप अपने तरफ से थम्स अप दे रहे हैं या फिर ठीक ठाक? थम्स अप, ऐसे अच्छे से दे डबल रहे हैं, थम्स अप, डबल थम्स अप। ओके तो चलिए जाते जाते बस यही चाहूंगी केसरी की पूरी टीम को और साथ ही साथ अक्षय कुमार के लिए कोई स्पेशल मैसेज है वो दे सकता है, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गिव दिस पॉजिटिव मैसेज, मतलब आप ऐसे ही पिक्चर करते रहिए, कीप एंटरटेनिंग, कीप मोटिवेटिंग अस।